Let's see the second part, oxidation of aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone mein, suppose aldehyde RCHO, RCHO mein, humne Jones reagent kiya, Jones reagent matlab CRO3, H2SO4 in acetone, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट. अभी आपने देखा फर्स्ट पार्ट के अंदर, या आप इसके साथ डायरेक्ट K2Cr27 ले लो, एसिडिक मीडियम ले लो या बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं, फर्क थोड़ा एसिड बनेगा या कार्बोक्सिलेट बनेगा. इवन KMnO4 किसी भी मीडियम में ले लो, चाहे एच पॉजिटिव लो चाहे OH नेगेटिव. अगर इसमें से कुछ भी आप लोगे तो ये जो आपका इन कंडीशंस के अंदर जाएगा RCHO एसिड में कन्वर्ट हो जाए, 1 डिग्री एल्डिहाइड एसिड पर रुकेगा. अगर आपके पास कीटोन होगा, RCOR, तो ये जो होंगे नॉट अफेक्ट, अफेक्ट नहीं करेंगे कीटोन को. बट नोट डाउन, KMnO4 और HNO3 एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ब्रेक द कीटोन एलिवेटेड टेम्परेचर पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए KMnO4 HNO3, तो ये आपका जो होगा कीटोन को ब्रेक कर देगा, ब्रेक द कीटोन इंटू एसिड. और जिसमें ओरिजिनल, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, ओरिजिनल CO, ओरिजिनल CO है गोज विद स्मॉल ग्रुप, स्मॉल एल्काइल ग्रुप. जो ओरिजिनल होगा वो CO ग्रुप सिमेट्री मेंटेन करने के लिए आपके पास ये जो है स्मॉल ग्रुप के साथ जाएगा. इसको बोलते हैं पॉप ऑफ रूल, पॉप ऑफ रूल. तो कीटोन का KMnO4 या HNO3 से ऑक्सीडेशन कर सकते हो, बट वो एलिवेटेड टेम्परेचर पर होगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके KMnO4 लेकर के, उसमें सिर्फ आप KMnO4 यूज कर सकते हैं. अदरवाइज एल्डिहाइड होंगे, एसिड में कन्वर्ट होंगे, कीटोन होंगे तो ड्रेस्टिक कंडीशन में होंगे. और इस टाइप से फिर सपोज ये एग्जाम्पल ले लिया हमने कीटोन का ओ सीओ सी एच, ये कीटोन. और यहां पर हमने ड्रेस्टिक कंडीशन में KMnO4 लेके हीट कर दिया, देन अब ये कीटोन जो होगा ब्रेक डाउन होगा. अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये हमारे पास 1, 2, 3 कार्बन है, ये लार्ज ग्रुप है और ये स्मॉल है. ओरिजिनल CO पर स्टार लगा देते हैं, तो ओरिजिनल CO जो होगा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ओरिजिनल CO ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा CH3, और ये वाला जो ग्रुप है आपका ये भी आपका एस. अब ये वापिस इस टाइप से बनाया तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, इसको आप ऐसे बना लो, इस टाइप से यूज कर लो, तो ये 2 कार्बन वाला है, ये 1 कार्बन वाला है, तो ये भी आपका एसिड में कन्वर्ट होगा, ये वाला कार्बन होगा CCC, ये कार्बन ये भी एसिड, तो आपका दोनों एसिड बन जाएंगे CH3COH. बट एक दूसरा जो बनेगा CH3CO, जिसमें ओरिजिनल वाला CO छोटे वाले ग्रुप CH3 के साथ वाले के साथ आएगा, तो आप कीटोन का भी एलिवेटेड कंडीशन पर जो है ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. आप यही वाला ऑक्सीडेशन सिलेक्टिवली सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर सकते हैं, SeO2 सिलेनियम डाइऑक्साइड इज सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के लिए, फॉर एल्डिहाइड और कीटोन. चाहे हमारे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके लिए सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसकी सिलेक्टिविटी क्या है, क्या करता है ये स्पेशली CH3 ग्रुप और मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन मतलब CH2 एडजेसेंट होना चाहिए. एडजेसेंट किसके, कार्बोनिल ग्रुप के,
अगर एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप है सी एच थ्री या मिथाइलिन ग्रुप सी एच टू एडजेसेंट है कार्बोनिल, तो ये जो एस सी ओ टू होगा ये आपको फर्दर कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दे एसयू सेलेनियम ऑक्साइड। बट अगर ये एडजेसेंट कार्बन डबल बोन्ड कार्बन है मतलब एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन है, अगर कार्बन डबल बोन्ड कार्बन एलाइलिक का या बेंजाइलिक का कार्बन कार्बन है उसके आगे सी एच टू ग्रुप है तो उसको फिर ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। यहां पर कार्बोनाइलेशन है कार्बोनाइलेशन कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा या हाइड्रोक्सीलेशन। और ये हाइड्रोक्सीलेशन जो होगा स्पेशली जो होगा एट मोर हिंडर्ड साइट होगा एट मोर हिंडर्ड साइट, जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां पर आप ये हाइड्रोक्सीलेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जैसे एग्जांपल है अगर हम सी एच थ्री सी एच ओ ले लेते हैं सी एच थ्री सी एच, ये सीओ ग्रुप है सीओ ग्रुप का ये अल्फा कार्बन है इस पर ये पोजीशन सी एच टू वाली मिथाइलिन ग्रुप बन रहा है या सी एच थ्री ग्रुप बन रहा है। जब हम सेलेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एस सी ओ टू तो ये एच टू ओ बाहर हो जाएगा और एक ऑक्सीजन जो होगा इसके साथ चला जाएगा ये यहां से ब्रेक हो जाएगा ये बन जाएगा वापिस सी एच ओ, इधर भी सी एच ओ है तो सीओ ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया प्लस जो बन जाएगा आपका सिलेनियम और वाटर बाहर हो जाएगा। तो सिलेनियम ऑक्साइड स्पेशली आपका जो मिथाइलिन ग्रुप होता है एडजेसेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप के उसको अफेक्ट करता है विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, ये जो है डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता नॉट अफेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हम यहां पर इसकी बजाय ये वाला केस ले लेते हैं एलाइलिक वाला पोजीशन ले लेते हैं ये एग्जांपल है, अब ये सी डबल बॉन्ड सी एलाइलिक है अब ये भी एलाइलिक पोजीशन है और ये भी एलाइलिक पोजीशन, अब यहां हिंड्रेंस ज्यादा है ये जो होगा सी एस थ्री ग्रुप मोर हिंडर्ड एलाइलिक ग्रुप है और ये जो है यहां पर सी एस थ्री ये लेस हिंडर्ड है तो हम प्रेफर इसको करें ये वाला प्रेफर होगा एलाइलिक पोजीशन पे सेलेनियम ऑक्साइड लोगे तो यहां ये हमारा ऐसा ही जाएगा और ये जो सी एच टू है ये OH में कन्वर्ट होगा एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो इट शुड बी कीप्ट इन माइंड सेलेनियम ऑक्साइड इज सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां है मिथाइलिन ग्रुप पर वर्क करता है सीओ ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर मिथाइलिन ग्रुप है तो उस मिथाइलिन ग्रुप चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का सी एच टू या सी एच थ्री ग्रुप है तो उसको कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दे कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर। बट अगर ये एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन है डबल बॉन्ड के पास एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन है तो उसको फिर ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा ये अल्कोहल में जो आपको कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर। तो इस टाइप से हम इस रिएक्शन का सिलेक्टिविटी देख सकते हैं सिलेनियम ऑक्साइड इज ए स्पेशल सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली कीटोन इंटू एस्टर बाय पर एसिड कोई भी पर एसिड लेकर के हम कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन बीवीओ बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन स्पेशली कीटोनों का एस्टर के अंदर ऑक्सीडेशन। इसमें हिंट याद रखना है जो आपका पर एसिड का हो ओ पर एसिड गोज विद लार्ज एल्काइल ग्रुप ऑर्डर ये रहेगा एच के साथ सबसे ज्यादा फिर फिनाइल ग्रुप 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल ग्रुप। तो ये ऑर्डर इस ऑर्डर में देखना है इसमें अगर प्रेफरेंस हो तो
तो ऑक्सीजन जो पर एसिड का है वो आपको इनके साथ देना है। सपोज मेरे पास एग्जांपल है CH3 CO CH, और मैंने यहां एमसीपी ये दे दिया, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड और ओ पर एसिड ओ, ये ओ जो है ये आपका अटैच होना चाहिए एच के साथ, अटैच विद एच। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड होता है ये सीओ ओ एच, एक और आ जाएगा और मेटा क्लोरो, ये मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड में ये वाला जो होगा ये इंसर्ट होगा, ये वाला वो इंसर्ट होगा और ओ इंसर्ट होगा। इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर फिनाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंस बड़े ग्रुप का है या फिनाइल ग्रुप का है यहां पर, तो ओ जो जाएगा वो इस जगह पे जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा फाइनल ओ सीओ सीएच। जैसे जनरली ऐसा एग्जांपल आ जाए आपके पास साइक्लिक के अंदर सीओ या, और यहां पर हमें ये ओ जो जाएगा ये स्टार वाला होगा, यहां पर मैंने एक एमसीपी भी दे दिया प्रोडक्ट बनाना, तो एमसीपी भी ओ देगा। ओ के लिए देखो ये हमारे पास है ये 2 डिग्री है ये 3 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा प्रेफरेंस 3 डिग्री को देना है, तो ये जो ओ इंसर्ट होगा ये आएगा ये इस साइड में, इस साइड में ही देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा यहां हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। और इस प्रोडक्ट पे जब ये देखो ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एस्टर बन गया, तो ये साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर आर नोन एज लैक्टोन, साइक्लिक एस्टर को हम लैक्टोन बोलते हैं, लैक्टोन, लैक्टम साइक्लिक एमाइड होते हैं, लैक्टोन साइक्लिक एस्टर होते हैं। तो यहां पर हम कीटोन को डायरेक्टली एस्टर में बीवीओ ऑक्सीडेशन बीवीओ रिएक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच कैन यूज द डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम रिएजेंट जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएजेंट यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टोलन रिएजेंट, टोलन फैलिक टोलेंस रिएजेंट, फैलिक सॉल्यूशन, फैलिक या बेनेडिक्ट, फैलिंग या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और सिफ रिएजेंट यूज करते, सिफ रिएजेंट। लेट्स सी द वन बाय वन, फर्स्ट ऑफ ऑल टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, टोलन रिएजेंट जो होता है वो हमारे पास होता है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 के साथ NH4OH, अमोनिया का सॉल्यूशन NH4OH वाटर के, AgNO3 है तो अब इसका एक्चुअल में रिएक्शन जो होगा 2AgNO3 NH4OH Ag2O बना लेगा अमोनियम नाइट्रेट वाटर बन Ag2O, ये डिसॉल्व नहीं होता, नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हम फर्दर एक्सेस अमोनिकल डाल देंगे, एक्सेस NH4OH डाल देंगे NH4OH, तो NH4OH डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा AgNH3OH, टू पार्टिकल ले लो 2AgNH3OH है, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा Ag का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ टोलन रेट। अब जब हम एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड होता है RCHO, RCHO का रिएक्शन जब हम इसके साथ करवाएंगे, एग्जांपल
एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों एल्डिहाइड टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन देते हैं। ये जब हम एजी एनएच थ्री ट्वाइस ओएच के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा ओएच, यहां एजी अलग हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएंगे, टू स्पीसीज लोगे तो टू एजी एनएच थ्री फोर अलग हो जाएगा और साथ में आपका वाटर बन जाएगा प्लस एच टू। तो ये जो होता है एजी, ये शाइनिंग लेयर बनाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो एलडी कीटोन ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं, तो स्पेशली सिल्वर मिरर टेस्ट जो दिया जाता है वो आपका सिल्वर मिरर टेस्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो एजी बनने सिल्वर मिरर टेस्ट जो आएगा वो एक टाइप से आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। एजी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यहां एजी जीरो पे चला गया, तो इस टॉलर रिएजेंट इटसेल्फ जो हो गया गेट रिड्यूस्ड, पर इसको कर दिया उसने ऑक्सीडाइज, ये जो होगा गेट ऑक्सीडाइज। तो एल्डिहाइडों को टॉलर रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देते हैं जिससे सिल्वर मिरर टेस्ट बनता है। ये टेस्ट आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड दे देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड, इवन एरोमेटिक एल्डिहाइड, बट ये जो होगा कीटोन नहीं देंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देंगे ये वाला रिएक्शन, बट सिर्फ कीटोन जो होंगे वो ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। इसके अलावा आपके ये रिएक्शन जो दे सकते हैं हेमीएसिटल रिएक्शन दे देंगे, हेमीएसिटल दे देंगे, बट एसिटल या कीटल हेमिकीटल ये सब ये वाला रिएक्शन नहीं देंगे। एसिटल कीटल या हेमिकीटल जो होंगे वो इस टाइप का रिएक्शन नहीं देंगे, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल दे देंगे। तो ये रिएक्शन आपके एल्डिहाइड दोनों ही टाइप का देगा, तो कौन कौन दे सकता है देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी दे सकते हैं और हेमीएसिटल भी दे सकते हैं। जैसे ग्लूकोज के जो कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ते हैं तो वहां भी ये हेमीएसिटल फॉर्म जो है ये इसका आपका टेस्ट दे सकता है, लेकिन बाकी अदर जो है जैसे एसिटल है, कीटल है, हेमीकीटल है, ये आपका इस कीटोन है, ये रिएक्शन आपका इसका नहीं दे सकते, तो हम इसको डिस्टिंग्विश करने में यूज कर सकते हैं टॉलन रिएजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों ही सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है इसका, ब्लू सॉल्यूशन होता है, ये वो ए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए प्लस जो होता है, अगर हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है तो ये हमारे हो जाएगा सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट प्लस एनएच, अगर सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट है तो ये हमारे पास हो जाएगा सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, इसे सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट पहले हमने बेनेडिक्ट लिखा है तो यहां पर आप सिट्रेट लिख दो, सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट का साल्ट है एनएच के साथ, देन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, अगर कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन ए और ये सॉल्यूशन बी अगर इसके साथ है तो ये होगा सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट एनएच के साथ होगा सॉल्यूशन बी के अंदर, तो ये फैलिंग सॉल्यूशन हो जाएगा।
दोनों में जो ये जो बुनते हैं ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स करते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाने में, स्टेबलाइज करने में यूज होते हैं ये, साथ में लेते हैं हम, तो दो सॉल्यूशन होते हैं, दोनों को मिक्स अप करते हैं हम, तो ये जो हमारा रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के अंदर हमारा CU प्लस टू आयन रहेगा कॉम्प्लेक्स से, CU प्लस टू आयन कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करके OH के साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ, CU2O प्लस H2 बना देगा, प्लस टू CU2O, अगर 2 लेंगे हम 2 CU तो CU2O 2 2 4, पॉजिटिव का 4, 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो यहां पर प्लस 2 से प्लस 1 में जा रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन। और इसमें जो आपका एल्डिहाइड होगा RCHO OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, RCOO नेगेटिव प्लस 2H2 RCO नेगेटिव, तो ऑक्सीजन हो गया 4, हाइड्रोजन टोटल 3 and 1 4, 2H2O, देन हमारे पास ये आ गया 2H2O, तो हमारे पास टोटल जो हो गया यहां पर 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव ये आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो नेट रिएक्शन आप देखोगे तो नेट रिएक्शन हमारे पास दोनों ही केसेस में, इन बोथ केसेस एल्डिहाइड रिएक्ट विद जो कॉम्प्लेक्स से हमारे पास थी 2 CU प्लस 2 से 5 OH नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा RCO नेगेटिव साल्ट में प्लस CU2O3H2, यहां को ऊपर प्लस 1 में जो होता है ये रेड PPT बनाता है, रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो इससे ये भी हमारा जो होता है इसके अंदर टेस्टिंग में यूज होता है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, अगर रेड पीपीटी बन रहा है तो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड आ जाएगा, टोलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोनों ही इस टाइप का रिएक्शन शो करेंगे और दोनों ही टेस्टिंग में यूज हो सकते हैं, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड ये नहीं देते, C6H5CHO does not give this test, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। तो यहां बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस आता है कि कौन कौन से एल्डिहाइड, किस टाइप का एल्डिहाइड, एलिफेटिक एरोमेटिक कीटो, ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए कि कौन टोलन रिएजेंट्स दे सकता है, कौन टोलन रिएजेंट नहीं देता, कौन फेलिंग दे सकता है, कौन फेलिंग नहीं दे सकता, तो टेबल बना के हम प्रिपेयर करते हैं कि कौन कौन ये टेस्ट दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते। टोलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, क्या क्या स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे एसिड एल्डिहाइड CH3CHO या कोई R ग्रुप लगाओ RCHO, ये टोलन रिएजेंट्स भी देगा फेलिंग सॉल्यूशन भी देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे AR या C6H5CHO एल्डिहाइड लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलरेंट रिएजेंट देगा बट फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देगा, फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। कीटोन, कीटोन टोलन टेस्ट भी नहीं देंगे, टोलन रिएजेंट के साथ भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी टेस्ट नहीं देंगे कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टोलन रिएजेंट भी देगा फेलिंग सॉल्यूशन भी देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दोनों टेस्ट देंगे। फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब आर सी एच ओ एच के साथ सी ओ ग्रुप लगाओ, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड है एच सी एच ओ, इसमें सी एच ओ ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो रहा है,
दोनों अटैच देंगे फॉर्मेल्डिहाइड की वजह फॉर्मेल्डिहाइड तो आएगा फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड अगर फॉर्मिक एसिड है इवन एसिड है सीओ OH, लेकिन ये वाला ग्रुप जो है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की तरह है इसलिए दोनों ही अटैच देंगे और कोई अदर एसिड होगा अदर एसिड आर सीओ OH फॉर्मिक एसिड के अनदर इन स्पाइट ऑफ दिस ये टेस्ट नहीं देंगे अदर एसिड नहीं देंगे एसिटल 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 मतलब आर सी जो एक ओ के साथ ओ एच आ जाए और एक के साथ ओ आर एक जगह एल्कोहलिक ग्रुप एक जगह इथर ग्रुप दिखाई दे इसको बोलेंगे हेमी एसिटल एक ओ आर बनाए तो हेमी एसिटल दे देंगे दोनों टेस्ट हेमी एसिटल बट एसिटल हेमी कीटल या कीटल एसिटल हेमी कीटल या कीटल ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे हेमी कीटल हेमी कीटल कीटोनो आर सी आ ओ एच हुआ ये हेमी कीटल यहां पर हेमी एसिटल में सी एच आ रहा है लेकिन यहां पर सी एच नहीं आ रहा सी आ रहा है एसिटल तो कार्बन के पास एचो होना चाहिए एसिटल एसिटल में आर सी एच ये एसिटल कीटल आर सी दोनों साइड वो आर आ रहा कीटल ये टेस्ट नहीं देंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल बहुत टेस्ट दे देंगे अल्फा हाइड्रोक्सी होगा तो बहुत कैस्ट करेगा बट आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि टोलन रिएजेंट कौन कौन दे सकता है एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड भी दे सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी दे सकते हैं इधर फॉर्मिक एसिड भी दे सकता है और हेमी एसिड भी दे सकता है इनमें से फैलिक कौन देगा जितने ये दे रहे हैं इसके अंदर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो आपका ये वाला टेस्ट नहीं देगा लास्ट वन द रिएजेंट इज शिफ रिएजेंट रोजेनलीन हाइड्रोक्लोराइड एक केमिकल होता है जिसका मैजेंटा कलर होता है मैजेंटा कलर मैजेंटा डाई बोलते हैं रोजेनलीन हाइड्रोक्लोराइड इसमें जब SO2 पास करते हैं तो SO2 पास करने पर सिर्फ रिएजेंट बनता है और ये रिएजेंट जो होता है ये कलर इसका डिसअपीयर हो जाता है कलरलेस होता है और कलरलेस होगा अब अगर इसमें हमारे पास एल्डिहाइड होंगे एलिफेट एल्डिहाइड होंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट करके कलर रिस्टोर कर देंगे कलर दोबारा आ जाएगा कलर रिस्टोर आ जाएगा तो ये टेस्ट जो है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज किया जा सकता है बट इसके लिए इट शुड बी कीप इन माइंड कि जो सिर्फ रिएजेंट वाला टेस्ट है ये तभी हो सकता है जब फ्री सीएचओ ग्रुप विद हाई कंसेंट्रेशन इसलिए जो है ये वाला टेस्ट जो है सिर्फ रिएजेंट वाला टेस्ट हेमी एसिटल नहीं देते मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर डज नॉट परफॉर्म दिस टेस्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज ये वाला टेस्ट नहीं दे पाते देन सो इट ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल अलोंग विद द एल्डिहाइड एंड कीटो यू आर सपोज टू स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अलोंग विद द कार्बोनिक कंपाउंड इससे आपको ध्यान रहे क्या क्या कंडीशन में क्या क्या बनता है काफी कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए आपको एक साथ पढ़ना है और
एक साथ पढ़ने से आपको ये रहेगा, इट इज वेरी हेल्पफुल टू लर्न, कि आपको हमेशा मेमोराइज, इट इज हेल्पफुल टू मेमोराइज जो है क्या क्या रिएजेंट है, कौन से सिलेक्टिव रिएजेंट है, किसमें क्या बन सकता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद अस इन दिस इवनिंग एंड सी यू टिल देन नेक्स्ट क्लास. बाय.